सर्वजन हाजर हुनुभएछ। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघलाई प्रणाम गराइछ, नन्तर शील याचना गराइछ। जसमे मन्तो तसा मना। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि। अतशील याचना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं शापा अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता विरमणे सिक्खापदं समादयामि दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि। सुरावीरय वज्ज समादठानावीरमणि सिक्खापदं समादियामि। ते सरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संगला त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज प्रोग्रामला उपस्थित पूजनीय भिक्खु यशोदीप भान्तेजी पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि भान्तेजी अनि उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न ये कलशकराई ये पांडव भाई बाबा संपूर्ण उपासक उपासिकानो अभी अभी हमने पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में हमेशा सुख शांति प्राप्त करने के लिए ये पांच शील हमेशा पालन करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं, वही नहीं मारना तो है, चोरी नहीं करना तो है, व्यभिचार नहीं करना तो है, झूठ नहीं बोलना तो है, नशा पता सेवन नहीं करना तो है, पर इसी में भी बहुत सारे बातें समावेश है। इसको कैसे भी हो, कितना भी मौका मिले, कैसे भी अवस्था हो, अच्छे से पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी हमारी भूल, छोटी सी गलती, कभी हमने किसी को मारा, जिंदगी भर हमें ये डर लगा रहेगा कोई आके हमें न मारे। कभी चोरी किया, जिंदगी भर ये डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे पकड़ लिया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए ये पांच सील अच्छे से पालन करना चाहिए और पालन करूँगा, ऐसे अधिष्ठान करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये पंचशील प्रार्थना किया। अभी पूजने भी कुसंग यहाँ उपस्थित है तो आप लोगों के सुख शांति के लिए परित्राण द्वारा आशीर्वाद देते हैं। तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और ये आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ है, बुद्धवाणी है, बुद्ध के सत्य वचन, बुद्ध के करुणा वचन, बुद्ध के मैत्री वचन इस परित्राण में है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। अगर इस परित्राण को अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बुद्धवाणी परित्राण पाठ पूजने भी कुसंग करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। हमारे अपने परिवार, बंधु बांधव, जितने भी श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएँ हैं, जितने भी सत्व प्राणी है, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद के अनुभव से सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजने भी कुसंग परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सातमं मुनिराजस्य सुनन्तु सर्गमोक्षदं, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता, परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्तादेवमनुशासनं बुद्धो भगवा इति स्वाकातो भगवता धम्मो चान्दिते को अकालिको येहि पासिको वनायिको पचतं वेदिताभो वेन्यो हेते सुपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामेचिपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि तथा पुरुषपोगला येष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुदारं पुण्याङ्केतं लोकसाते एतेन स च वचेन शोतिते होतु सर्वदा एतेन स च वचेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्दं सन्दं पदङ्गपि समे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि सन्दो सको च सुबरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कोतं समाचरे किञ्चि येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सापे सता भवन्तु सुखिताता ये केचि बाणभूता ते तसावतावरा वा अनवशेषा देगा वा एव मान्ता वा मजिमरसका अनुगदोला देता वा एव देता ये च दूरे वा सन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे शिव सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिता न परो परान्निको भेद नाति मन्येत कतचिनाङ्कञ्चि व्यारोषणपतिकसंज्ञ नान्यमन्यस दुःखमेच्छय मातायता नियम्भूतं आयुषायेकभूतमनुरक्षे एवं विषपभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मि मानसं भावये अपरिमाणं उदङ्गतो चतिरियं च असंवादं अवेरां असपतं
ेतांजरान्निशिन्नो ब्रह्ममेतां विहारांगितमाहो देतेञ्चानुपगमशीलव दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनायकेदं नहि जातु गभशय्य पुनरेति ते एतेन स च वचेन शोतिते ओतु सर्वदा एतेन स च वचेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वचेन ओतु ते जय मङ्गलं यां दुर्निमित्तां अवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनश्च सद्धो पापगहो दोषविनाकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यां दुर्निमित्तां अवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनश्च सद्धो गहो दोषपिनाङ्गकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यान्दुर्निमित्ताङ्गवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनश्च सद्धो पापगहो दोषपिनाङ्गकान्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका भवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता सम्मेहि सर्वदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानञ्जयं बलं अरान्तानं च तेजेन रक्खं वन्दामि सर्वशो नकसता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं दानुमोदयित्वा रक्खन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं दानुमोदयित्वा चिरं रक्खन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं दानुमोदयित्वा चिरं रक्खन्तु त्वां परान्ते साधु साधु साधु। तीन बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि सुखी ओ मंगल ओ कल्याण। अभी बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पांच शील पंचशील भी ग्रहण किया। उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ भी श्रवण किया। ये बहुत बड़ा पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं कालेन धम्म साक्षात् एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये भी मंगल है। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। तो आज पूजने भी कुसंग यहाँ प्राप्त हुआ है। तो पूजने भिक्खु संघ का हम थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। सबसे पहले पूजने भिक्खु मंगल बोधि भंते जी यही रामानगर के बिहार में रहते हैं। तो भंते जी हमें धम्म देशना देंगे। तीन बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु।
మన సాధు 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 సుకు బుద్ధ న ఉపాదో సుఖ సద్ధమ్మ దేశనా సుఖ సంఘస్ సమగ్గే సమగణం తపో సుఖో. విశ్వాలా శాంతి సా సందేశ దినారే తథాగత మహాకారుణిక సిద్ధార్థ సమ్యక్ సంబుద్ధ భగవాన్ బుద్ధ సా ధమ్మ భగవాన్ బుద్ధ సా సావగ సంఘ या तीन रत्नाला प्रथम नमन करतो मी. या तीन रत्नाची ओळख करून देणारे विश्वरत्न घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही माझे वंदन. आज या ठिकाणी या कळसकर परिवाराने परित्राण पाडलाचा या ठिकाणी कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर आज आमचे सर्वात ज्येष्ठ भंते मोठे भंतेजी, आज मोठे भंतेचा परिचय असेलच आपल्याला का नाही? खरी काय परिचय आहे त्यांचा? त्यांचा परिचय असे, आपल्या बाबासाहेबाला कोणी दीक्षा दिली? कोणत्या भंतेजीने? चंद्रमणी. चंद्रमणी भंतेजीने चंद्रमणीचे शिष्य ज्ञानेश्वरजी त्यांचे शिष्य हे. तर या ठिकाणी आपलं फार मोठं पुण्यक्रम झालंय की आपल्या बाबासाहेबाच्या बाबासाहेबाला लक्ष देणारे त्यांचेच वंश या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये येऊन या ठिकाणी आपण परित्राण पाठ घेतला आहे. फार मोठं पुण्यकर्म आहे. आता या पुण्यकर्माने आता हा परित्राण पाठ घेतला, तर परित्राण पाठ का घ्यावा लागतो? का कशामुळे घ्यावा लागतो? परित्राण पाठ हा घेणं म्हणजे सर्व बुद्ध राष्ट्रामध्ये प्रत्येक 3 महिन्याला, प्रत्येक 6 महिन्याला, प्रत्येक 2 महिन्याला प्रत्येक घरामध्ये परित्राण पाठ घेतात. परित्राण पाठ म्हणजे आपल्या घरातलं रक्षण, आपलं रक्षा कवच आहे, हे आपलं कवच आहे. या परित्राण पाठाने कुठला आपल्याकडे आपत्ती येत नाही, विपत्ती येत नाही, संकट येत नाही, हिंदू भाषेत करणी येत नाही, कवटाळ येत नाही, जादूटोणा येत नाही, काहीच नाही. एवढी मोठी शक्ती ह्या परित्राण पाठामध्ये आहे. पण तो परित्राण पाठ करायला आपल्या समाजाला आणखी माहिती नाही. करायला पाहिजे हा परित्राण पाठ. परित्राण पाठ फार मोठं पुण्यकर्म आहे. तर याचं हा पण शांत चित्ताने ऐकला तर त्याचा फायदा आहे. नाही तर परित्राण पाठ चालू आहे, आपले चित्त इकडे चाललंय, आपलं चित्त तिकडे झालं, आपलं तिकडे इकडे चित्त झालं, तर त्या परित्राण पाठाचा काही उपयोग नाही. तुम्हाला पाली भाषा समजे नका, न समजे नका, परंतु श्रवण केल्याने सुद्धा नुसतं श्रवण करा तुम्ही. हा परित्राण पाठ फार मोठा पुण्यकर्म आहे आणि आपल्याकडे आलेलं संकट पूर्ण निघून जात आहे. तर का करायचा हा पुण्यकर्म? हा थोडक्यात मी तुम्हाला गोष्ट सांगतोय. तर आमच्यासारखे हे यशोदी बनते, मी समजा आम्ही दोघं भिक्षू झालो. भिक्षू झाल्यानंतर काय झालं की कालांतराने यशोदी बनतेने चिवर सोडलं. म्हणजे 2 मित्र असतात, एक उदाहरण, 2 मित्र असते, दोन्ही मित्र चिवर घेतात, चिवरामध्ये राहतात. चिवरामध्ये राहिल्यानंतर बरेच वर्ष काढते, पण एक जणाचं मनच थांबत नाही चिवरामध्ये. नको म्हणतो आपण सोडून द्यावं. तो काय करतो? चिवर काढून सोडून देतो, सोडून देतो, आणि सोडून दिल्यानंतर लग्न वगैरे करतो. आता दुसरा मित्र त्याचा तो चिवरधारीच असतो. तो मग लग्न विघ्न केल्यानंतर त्याला काय होतं की त्याला एक मुलगा होतो, त्याला मुलगा घेतो. आता मुलगा झाल्यानंतर तो मुलगा असा होतो की तो सदाय आजारी, सदाय रोगी, सदाय रोगी. आता काय करा बाबा ह्या मुलाला? सगळे दवा दौरे, त्यावेळेस वैद्य होते, असे दवाखाने कुठे होते? वैद्य होते, वैद्याला दाखव, हे कर ते कर, पण मुलाची तब्येत नाही. मग त्यांनी विचार केला की अरे माझा एक सोबती भिक्खू बनलेला आहे, तो खरंच पुण्यवान आहे, आपण त्याच्या दर्शनाला जाऊ, आपण करू. मग ते नवरा बायको त्या मुलाला घेतात आणि दर्शन करायला जातात. मग ते भंतीचे दर्शन विशन घेतात. तर भंतीजी त्या नवरा बायकोला दीर्घायुष्य हो म्हणून आशीर्वाद देतात. तर भंतेजी म्हणले आमच्या मुलाला, म्हणजे तुमच्या मुलाला आशीर्वाद नाही देऊ शकत, कारण की ते 7 दिवसानंतर मरणार आहे, मग मी कसा आशीर्वाद देऊ? परेशान होते, घाबरून जातात. मग याला काही उपाय काही आहे का काही नाही? तर याला उपाय म्हणले तुम्हाला भगवान बुद्धच सांगतील. तर त्यावेळेस भगवान बुद्ध श्रावस्तीमध्ये होते. मग हे दोघंही गेले, भगवान बुद्धाकडे गेले.
भगवान बुद्धाला दोघा तिघांनी वंदन केलं. दोघांनी त्या नवरा बायकोला भगवान बुद्धांनी दीर्घायुष्याचा आशीर्वाद दिला. मुलाला आशीर्वाद नाही दिला. भगवान म्हणले मुलाला काय आशीर्वाद नाही, तर हा 7 दिवसात मरणार आहे म्हणले. काय आशीर्वाद भगवान, तुम्ही एवढे मोठे पोहोचलेले, एवढे ज्ञानी आहेत, तुम्ही सर्वस्वी आहेत, सारा जगाचे जाणकार आहेत. भगवंत काहीतरी उपाय करा आणि काहीतरी करून माझ्या मुलाला वाचवा. ठीक, भगवान विचार करते. विचार केल्यानंतर भगवान त्याला सांगते, असं करा तुम्ही, परित्राण पाठ ठेवा. 10 ते 20 भिक्षू बोलावा. 20 भिक्षू बोलून परित्राण पाठ करा. त्या परित्राण पाठामध्ये तुम्ही नवला बायको या मुलाला घेऊन बसा आणि कंटिन्यू 7 दिवस रात्रंदिवस परित्राण पाठ झाला पाहिजे. मंडप हे टाकून सुशोभित करून सर्व झालं पाहिजे. तर सर्व करा तुम्ही, पुन्हा पाहू मग आपण. ठीक आहे बंतीजी म्हणे. मग जाते घरासमोर मंडप वगैरे सर्व टाकतात, फार सुंदर मंडप टाकतात. भिक्षूला आमंत्रण देतात. भिक्षू आल्यानंतर भिक्षूचा सत्कार समारंभ करतात. भिक्षूला वंदन करतात. भिक्षूला याचना करतात बंतीजी परित्राण पाठ करा म्हणून. 10-20 बंतीजी परित्राण पाठ चालू होतो. रात्रंदिवस परित्राण पाठ चालू. मग शेवटच्या दिवशी 7व्या दिवशी भगवंत येते तिथे. आणि त्या ठिकाणी भगवंत आल्यानंतर सर्व देवताच उतरतात ना आकाशातून. भगवंत आल्यानंतर पूर्ण देवता, 1000-1000 देवता आले खाली त्या ठिकाणी. आणि असा गोल काढा केला. कसा गोल काढा केला? आणि परित्राण पाठ चालू, गोल काढा केला. आता ती मृत्यू देवता त्याला 7व्या दिवशी न्यायला येणार आहे ना. त्याला कुठे येता येते? परित्राण पाठ चालू आहे. तो बाहेर 2-3 किलोमीटर लांब गेला. सगळ्या देवतांनी सगळं गाराडा घालून त्याला हे संरक्षण कवच दिलं. परित्राण पाठ चालू. परित्राण पाठ चालू असता 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 7 दिवस झाले. ते त्याची वेळ निघून गेली. निघून गेल्यानंतर भगवंताने सांगितलं, आता याला काय होत नाही, याला काही होत नाही. म्हणून त्यांनी ते म्हणून तो त्याचं नाव दीर्घायुष्य ठेवलं. आणि खरंच तो दीर्घायुष्य झाला. त्याच्यानंतर तो मोठा झाल्यानंतर भिक्षू झाला. भिक्षू होऊन त्यांनी 4-5 भिक्षू तयार केले, त्यांना प्रवचन दिले, फार अर्हंत झालं. तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तुम्हाला परित्राण पाठाचा असा असा फायदा होतोय. परित्राण पाठ आता एखादा मनुष्य, आता तुम्ही सांगतो, एखादा मनुष्यला आपल्या लोकांना कळत नाही, आजारी आहे, मरणासन नाही, परंतु तो फार ताडपाया लागला, तर त्याच्यासमोर तुम्ही येऊन भक्षूला बोलून परित्राण पाठ करा. त्याच्यासमोर एक तो त्याच्यासमोर परित्राण पाठ केलं तर एक तर त्याच्या निवांत शांत होईल आणि तो सुगतीला जाईल. कारण की परित्राण पाठ ऐकून सुगतीला जाईल, दुर्गतीला जाणारा सुगतीकडे येईल. तर एवढी परित्राण पाठमध्ये शक्ती आहे. पण आपले लोकांना काही वाटत नाही परित्राण पाठ म्हणजे काय कर्मकांड. कर्मकांड नाही आहे हे. कर्मकांड नाही आहे. भगवंताच्या मुखातून बुद्ध धम्मसंघाचे हे केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सगळं गुणगान केलेलं आहे आणि त्या गुणगानाचाच परित्राण पाठ. भगवान बुद्धांनी 45 वर्षे पूर्ण 45 वर्षे सर्व फिरून फिरून जे प्रचार केला, प्रवचनं दिले, तेच प्रवचन आपण परित्राण पाठामध्ये म्हणतो. तेच परित्राणामध्ये म्हणतो आणि ते फार सुखमय आहे. सर्व माणसाचं कल्याण होते. यासाठी आज मला आनंद झाला की कळस करायने या ठिकाणी परित्राण, मला माहिती नव्हतं, पण आमच्या मोठ्या भंतेजीने सांगितलं आम्हाला की या बाबा. मग नंतर मला कुठे यायचं, कुठे मग कळस करायचं सांगितलं. मला लक्ष अरे म्हणून कळस करायचं, आमच्या पूर आमच्या उपाशी का जायचं जुन्या. मग मला ठीक आहे. तर मग त्याच्यामुळं मी निघलो. मी तर मग आलो ह्या ठिकाणी. तर या ठिकाणी फार आनंद झाला. परित्राण पाठ केला, भंतीजी आले, परित्राण पाठ झाला. या परित्राण पाठाने आपलं सर्वांचं मंगल हो, सर्वांची स्वस्ती मुक्त हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांच्या दुःखातून मुक्ती हो. साधू 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 साधू. पूजनीय मंगलबोधी भंतीजीने खूपच सुंदर थोडक्यामध्ये धम्मदेशना दिले. त्यांना खूप खूप साधुवाद, धन्यवाद. तर पूजनीय भिक्खू मंगलबोधी भंतीजींना खूप खूप साधुवाद, धन्यवाद. आता धम्मदेशना पूजनीय भिक्खू यशोदी भंतीजी देणार आहे. धम्मदेशना ऐकण्यासाठी मनापासून 3 बार साधू साधू म्हणावं. एच बुद्धा अतीताच, एच बुद्धा अनागता, पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वंदामि सब.
पद एच धम्मा अतीताच एच धम्मा अनागत पचुपन्नाच ये धम्मा अहं वन्दामि सप्पद एच संघा अतीताच एच संघा अनागत पचुपन्नाच ये संघा अहं वन्दामि सप्पद। शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धांचा सद्धम्म सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्षु संघ ह्या तिन्ही रत्नाची ओळख करून देणारे परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन। आणि आज काय आहेसं कळसकर मातेनं परिवारानं जे काही बुद्ध धम्म संघ या त्रिरत्नाला आचारून तीन भिक्षू संघ तीन भिक्षूला आमंत्रित करून त्यांनी जे काही पुण्यकर्म दानकर्म करण्यासाठी आज भिक्षू संघामध्ये श्रेष्ठ असलेले डॉक्टर इंदवंश महाथेरो यांना त्रिवार अभिवादन। माझे बंधू मंगलबोधी आज या परिवाराने जे काही पुण्यकर्म दानकर्म केलेलं आहे तर दानकर्म करणं आणि पुण्यकर्म करणं इतकं महान आहे। दान पारमितीमध्ये भगवंत दान शिकवतात म्हणून आज या परिवारानं जे काही दान पुण्यकर्म केलं या दान पुण्यकर्माच्या बलानं बुद्ध वचनातून आपण सर्व आपत्तीतून विपत्तीतून मुक्त होण्यासाठी या सत्य वचनानं जे काही मंगल होतं ते आपण ग्रहण केलं। जे करणीमंत जे सूत्र आहे की या विश्वामध्ये जे काही हानिकारक वस्तू आहेत त्यांना मैत्री देणं तर हे आपण सत्य वचनानं ते पण आपण मंगल झालेलं आहे म्हणून भगवंताच्या मुखातून बुद्ध शासन जे आहे बुद्धाचे वस्तू आहे तर ह्या परित्राणाला फार महत्त्व आहे। वाराणसीमध्ये बृहदत्त नावाचा राजा आहे आणि त्या राजाला 100 पुत्र आहे। त्या 100 पुत्राला त्याच्यात जो शेवटचा पुत्र आहे तो छोटा आहे ते बोधिसत्व असतात म्हणून त्या घरामध्ये प्रत्येक बुद्ध येऊन परित्राण घेतात आणि तो राजा आणि ते 100 जे त्यांचे पुत्र आहेत हे ग्रहण करतात। पण परित्राण ऐकण्यासाठी ते 100 ऐकत नाहीत एकच ऐकतो आहे जसं बुद्ध वचन आहे तसं तो ग्रहण करतो म्हणून तो शेवटचा जो बोधिसत्व आहे हाच फक्त परित्राण ऐकतो आणि परित्राण ऐकता ऐकताच त्याच्या मनामध्ये अशी भावना होती की आज या वाराणसीचे माझ्याहून मोठे 99 भाऊ आहेत आणि हे राजावर बसल्याशिवाय मला काही राजा होता येत नाही मग मी कधी राजा होईन अशा मनानं तो दुःखी होऊ लागला। आणि आपल्या त्या परित्राणाचा ऐकून ऐकून तो परित्राण ऐकता ऐकताच त्याला खूप असं की मी कधी राजा होईल कधी राजा होईल म्हणून असं म्हणत असतो एका कोपऱ्यात बसतो। आणि त्यावेळेस त्या बोधिसत्वाची पूर्वी श्रमाची आई पूर्वीची आई ती अदृश होऊन त्याच्याकडे येते तुम्ही का असे दृश दुःखी व्हात का असे चिंतात आहात म्हणून ती त्यांना विचारते आणि मग तो छोटा बोधिसत्व आहे शेवटचा तो म्हणतो हे माते काय बुद्ध शासन आहे काय बुद्धाचं सच्चे वचन आहे माझ्या घरी प्रत्येक बुद्ध येऊन परित्राण घेतात
पण माझे नव्याण्णव भाऊ ऐकत नाही. पण हे नव्याण्णव भाऊ राजावर बसल्याशिवाय मला राजा होता येत नाही, याच्यासाठी मी दुःखी होऊन बसले. चिंतातवर की बुद्ध शासन हे किती महान आहे. मग त्यावेळेस ती देवता म्हणते, पूर्व समृद्धीची आई त्यांना म्हणते, अहो इतके दुःखी होऊ नका, हा परित्राण घेतलेला आहे, ह्या परित्राणाचं पाणी हा धागा घ्या आणि ते सत्य वचन बोलत चला. तुम्ही इतक्या कठीणातून कठीणातून जाण्याचा रस्ता आहे, तो तुम्हाला सुखरूपच जाता येईल. ज्या काट्या कुठे असतील, जे काही हानिकारक वस्तू असेल, ते तुमचे स्वागत करतील आणि त्या जंगलातून तुम्हाला जावं लागणार आहे. अशा जंगलातून जाण्यासाठी हे परित्राणाची बुद्ध वाचनाचे जे वस्तू आहेत तर ह्या तुम्ही घेऊन जा म्हणून तो आपला धागा परित्राणाचं जे तांब्यामध्ये पाणी आहे आणि जी क्षमा असतात ती वाळू रेती घेऊन ते आपला परित्राण करता करताच त्या अशा कठीण जंगलात जातात की तिथं कशालाच जाता येत नाही. त्यावेळेस तो ते आरिष्ट ते प्राणी ते हे ते म्हणतात, अरे आपण इतकं लोकांना त्रास देत होतो पण आज आपल्याला इतका पण आनंद झाला आहे. आज बोधिसत्वच आपल्याला बोधिसत्वाचीच पूजा व्हायला लागलेली. बोधिसत्वच आपल्याला ते त्यांचे ते काणे शब्द ऐकतात त्या परित्राणाचे. ते हानिकारक जे यक्ष आहेत, पशु प्राणी आहेत, जे सजीव आणि निर्जीव वस्तू आहे, ते त्या छोट्या बुद्धाला ते बोलत चालतात, ते परित्राण करत चालतात, ते सुखरूप त्यांना चालण्यासाठी सर्व सहकार्य करतात. असं करता करता ते म्हटले, शेवट हे जंगल हे कठीणातून गेल्यावर त्याच्या समोर एक तक्षशिला नगर आहे. काय आहे? त्याच तक्षशिला नगरामध्ये जर तुम्ही गेले आणि तिथं 7 दिवस जर तुम्ही परित्राण घेतला तर तुम्ही 7व्याच दिवशी राजा होतात. किती दिवसात? तो बोधिसत्व परित्राण घेता घेताच परित्राणाचा जो उपदेश आहे हे सर्व ऐकतात आणि त्या जंगलाच्या पार गेल्यावर असे जसे आपल्या घरी आज परित्राण घेतला आणि त्या परित्राण घेतल्यानं त्या बुद्ध वचनानं त्यांना इतका लाभ झाला म्हणून दुसऱ्याला पण त्यांनी जसा यांना झाला तसा दुसऱ्या घराला असा 7 घरी तो परित्राण चालता चालताच ते विद्वान लोक म्हणेत, अरे आपल्याला राजा हवा आहे, आपल्याला राजा नाही, आपलं रक्षण कसं व्हायचं म्हणून यासाठी राजा लागतो. 7व्या दिवशी तो बोधिसत्व परित्राण घेतात आणि मग ते सर्व नगरी येऊन त्याला वंदन करते की अहो तुम्हीच आमच्या या देशाचे राजे व्हा, असाच राजा आम्हाला हवा आहे. त्यावेळेस ते बोधिसत्व तिथं तक्षशिलेमध्ये त्या तक्षशिलेचा राजा होतात आणि ते राजाला प्रजाला सांभाळून आपल्या बुद्ध वचनातून जे जे काही उपदेश करतात तो राज्य चालवतात. असा जो परित्राणाचा जो महान असा उपदेश आहे आणि आज आपण तो ग्रहण केला. आपल्यालाही त्या बोधिसत्वाच्या या परित्राणानं आपल्याला बुद्धिवंताचा विचारवंत सर्व रोगातून सर्व दुःखातून सर्व ज्या या पृथ्वीवर हानिकारक वस्तू आहेत यांच्यातून सुटका होऊन आपलं सर्वांचं मंगल हो. या परिवाराचा रक्तसंबंधित नातेवाईक जवळचे आणि दूरचे आजच्या या परित्राणात त्या सर्वांचं मंगल हो. त्यांच्या ज्या आकांक्षा आहेत त्या पौर्णिमेच्या प्रमाणे प्रतापात जाओ अशी मंगल कामना करून इथंच थांबतो. सर्वांचं मंगल हो. सर्वांचं पूजने भिक्खू यशोदेव बांतेजींना खूप चांगले धर्मदेशना दिले. त्यांच्याबद्दल पांतेजींना पण खूप खूप साधुवाद धन्यवाद. आता धर्मदेशना ऐकायचं का? आता हो हा हात जोडून बसा.
मनोपभंगमधम्म मनोसेता मनोमया मनसा चे पदोत्थेन पासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं मनोपभंगमधम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चे पसन्नेन पासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया वो अनपायिनी। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि प्रमुख संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक और उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए वो सारे के सारे उपदेश हितकारी है, कल्याणकारी है, हमारे जीवन में सुख शांत में बनाने के लिए खूब खूब उपयोगी है। तथागत बुद्ध के एक एक वाणी हमारे जीवन के लिए खूब खूब काम आता है। बस उसे अच्छे से समझना है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, उसका मूल बुद्ध उपदेश क्या है, उसको समझना है और व्यवहार में भी हम पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख और शांति आना ही है, खूब सारा कुशल कर्म पुण्य होना ही है और ढेर सारे अकुशल पाप से अलग होना ही है। इसलिए हमें तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना भी है, न केवल सुनना उसे समझना भी है, न केवल समझना अगर अच्छे से समझ में आए तो धीरे 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 पालन भी करते जाना है। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध का उपदेश तो अच्छा है मैं पालन तो करूँगा, करना चाहता हूँ मगर अभी मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, मैं भविष्य में जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या जब मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा मैं केवल और केवल यही धम्म में आगे बढ़ूँगा, यही धम्म करूँगा करके बैठना नहीं है। ऐसा बैठेंगे तो ये आई को पूछिए, हाँ उनको भी थोड़ी ना फुर्सत है, ये रिटायर हो गया बाबा को पूछिए उनको थोड़ी ना फुर्सत है, ये करना है वो करना है, ऐसा काम है वैसा काम है, ये काम परेशानी जिंदगी जब तक रहेगा तब तक छूटने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना धम्म जैसे समझ में आए वैसे वैसे पालन भी करते जाना है, जितना हो सके उतना पालन करना है, जितना हम पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, केवल जान के समझ के कोई भी फायदा नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध धम्म पद में कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया, जो भी करना है जो भी हम करते हैं सबसे पहले मन जाते हैं, आज ये कार्यक्रम करना है, पंते बुलाना है तो सबसे पहले मन गया कि करो या ना करो ना करूँ, हाँ करेंगे ऐसा एक कार्यक्रम, सबसे पहले मन गया फिर सलाह हुआ चलो करेंगे, फिर जाके निमंत्रण देके ये कार्यक्रम हो गया,
सबसे पहले मन जाता है, इसलिए मनो से था मनो मया मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सारा व्याप्त है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही, सामने वाले बुरे है करके सोचेंगे तो वो जैसे बुरे कोई नहीं है, अगर सामने वाले अच्छा सोचेंगे तो अरे वाह 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 वो जैसा अच्छा कोई है ही नहीं, उसको मिला तो कितना अच्छा, उससे बात किया तो कितना अच्छा, उसको याद भी करेंगे तो कितना अच्छा। इसलिए मन से ही सब व्याप्त है। तथागत बुद्ध कहते हैं मनसा से पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से अगर हम पास तिवा बोलेंगे, करो तिवा करेंगे, या गलत मन से हम कुछ काम करेंगे या कुछ बोलेंगे तो ततो नंग दुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। दुख आता है सबको पता है, पर दुख कैसे आता है, चक्कंग वो तो पड़ंग, बैलगाड़ा के पीछे 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 वो पार ही चक्का आता है ना, इतना पार रहता है कि वो चाह के भी अरे बहुत पार हो गया, चलो एक बार निकाल के मैं आराम करता हूँ, नहीं, जहाँ जहाँ गया उसके पीछे 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 वो चक्का आते रहता है आते रहता है। वैसे ही हम अगर पाप करेंगे, अकुशल करेंगे तो दुख वैसा ही पीछे पीछे आता है, आना ही है। जिसने गलत मन से काम किया या वाणी से कुछ बोला तो उसके पीछे पीछे ऐसे दुख आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं गलत मन से काम मत करो, गलत मन से कुछ मत बोलो, अकुशल हो जाता है, अकुशल हुआ तो पाप होता है, पाप हुआ तो दुख आता है, और दुख भी बहुत ही भयानक तरीके से पीछे पीछे आता है, चाह के भी उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध उसके बदले में हमें क्या बोलते हैं, मनसा चे प्रसन्न, प्रसन्न मन से बोला करो, अच्छे मन से बोला करो, कुशल मन से बोला करो, पास तिवा करो तिवा, प्रसन्न मन से अगर हम बात करेंगे या काम करेंगे तो ततो नंग सुख मनवेति। अभी देखिए ऐसे लोगों के पीछे सुख आता है, सुख भी कैसे आता है, बुद्ध कहते छाया वो अनपायनी, जैसे प्रकाश के उपस्थिति में या लाइट लगा है या धूप है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे छाए पर छाए पीछे पीछे आता है ना, वो आया करके हमें थोड़ा भी भार नहीं है, अरे मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है उसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं है, वो तो मेरे कैसे भी जगह पे आराम से आता है, बस वो छाया हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही कोई अच्छे मन से काम करता है या वाणी बोलता है तो वो कुशल कर्म करता है, पुण्य करता है, ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख हमेशा कभी न छूटने वाले साय की तरह पीछे 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 आता रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पुण्य किया करो, मन को शुद्ध करके काम करो, वाणी बोलो। कभी मन में किसी के प्रति बहुत गुस्सा आता है, साथ में रहने के बाद कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा आया करके तुरंत जो मन में आए वो नहीं बोलने का, जो मन में आए वो नहीं करने का, क्योंकि वो अकुशल हो जाता है, वो पाप हो जाता है, और पाप बैल के पीछे पीछे आए, चक्के की तरह दुख पीछे पीछे आता है। कभी गुस्सा आया तो थोड़ी देर अपने आप को शांत रखो, गुस्सा आया करके कुछ ना बोलो, एक जगह पे रुको, सो जाओ कहीं पे थोड़ा समय, वो गुस्सा भी हमेशा नहीं रहता या परमानेंट कुछ है ही नहीं, हमेशा नित्य रूप से रहने वाला कुछ भी नहीं, अगर गुस्सा आता है तो वो चला भी जाता है, मन में मैत्री करुणा भी आ जाता है, हमेशा एक ही तरह नहीं रहता। इसलिए जब भी गुस्सा आए थोड़ी देर रुको, जब गुस्सा खत्म होता है तब बात करो, और सामने वाले गुस्सा कर रहा है हाँ इसमें मेरा कोई गलत नहीं, मैं भी क्या कम हूँ करके उससे मतलब बातें करके उससे गुस्सा करके लड़ झगड़ के नहीं बैठना, हाँ उसका गुस्सा आया है ना, गुस्सा आने के बाद कौन किसका सुनता है, कोई कुछ भी बोले तो आग में घी डालने जैसा, और वो जल जाएगा और भड़क जाएगा, इसलिए ऐसे समय में उससे डिस्कशन करके नहीं बैठने का, कितना भी उसका ही गलती हो, कितना भी खुद निर्दोष हो, अगर उससे बोलेंगे तो वही हमारा दोष हो जाएगा, इसलिए शांत रहने का, जब गुस्सा उसका
कम हो जाएगा, तब जाके बातें करने का कि गुस्सा करने की क्या वजह है, क्यों ऐसे गुस्सा आया, क्या हुआ, तब जाके वो सामने वाले भी मानने को तैयार होता है कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, गुस्से के समय में बोला तो और भयानक जल जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, दुख से मुक्ति देने के लिए ऐसे उपदेश देते रहते हैं। इसलिए मन को जितना हो सके उतना शुद्ध करना है। मन में जितना राग द्वेष मोह आते रहते हैं उससे अलग मैत्री करुणा दान त्याग भावना शील पालन ऐसे अच्छे अच्छे करते जाना है। अच्छे मन में रहा तो हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा रहेगा, जो भी बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। तथागत बुद्ध के समय में वो चक्खुपाल भिक्षु जो कि दुखमुक्त अर्हत हो चुका है, उनका दुखमुक्त अर्हत भी हो गया, आंखों से अंधा भी हो गया। तो चक्खुपाल भिक्षु जब श्रावस्ती जैतवन बुद्ध विहार में अपने कुटी के सामने ऐसे चंक्रमण करते हैं, ध्यान से आना जाना करते हैं ना, तो चंक्रमण करते समय वहाँ बरसात समय में जो अनेक तरह के कीड़े ऊपर आते हैं ना वो भी कुचल के मर जाता। और जब कोई दूसरे भंते लोग वहाँ घूमने आता है तो देखते हैं, अरे ये किसका कुटी है, चक्खुपाल का। अरे जब तक आंखें है तब तक तो कुछ किया नहीं होगा, आंखें नहीं है तो धम्म करने के नाम पे देखो कितना हिंसा हो रहा है, ये तो गलत है, चलो बुद्ध के पास जाके बोलेंगे। बुद्ध को बोलने गया तो तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, क्या चक्खुपाल ने मारते हुए देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। तो वैसे ही चक्खुपाल भिक्षु ने भी नहीं देखा, उसके मन में भी नहीं है किसी को दुख देना मारना, क्योंकि वो दुखमुक्त अर्हत हो चुके हैं। तो बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, जो चेतना युक्त काम है उसी को कम्म कहते हैं। जैसे हम चलते चलते हैं अपने पैरों के नीचे कितने कीड़े आके मर जाते हैं हमें पता नहीं, और मनसाय भी नहीं मारने का, उसका पाप नहीं लगता। मगर वहाँ कीड़े देखे मन में गुस्सा आया, इसको तो मारूं ऐसा ख्याल आया और उसको मार दिया, तो वो पाप है। तो इसलिए शरीर से वाणी से मन से हम करेंगे करके जो करते हैं वही कर्म बनता है। अच्छा किया तो अच्छा कर्म, बुरा किया तो बुरा कर्म। अच्छा किया तो अच्छा परिणाम आता ही है, बुरा किया तो बुरा परिणाम आता ही है। तो ये चक्खुपाल भिक्षु अर्हत हो गए फिर भी अंधा होके बैठना पड़ा, क्यों? तो तथागत बुद्ध पहले का एक छोटा सा घटना कहते हैं। जब एक समय में वैद्य होके जन्म हुआ था तो गांव-गांव में जाके लोगों को उपचार करते थे, दवा देते थे, उससे जीविका। एक समय एक गांव में गया तो एक महिला आंखों से बहुत पीड़ित होके बैठी थी, कितना दवा कर चुके पर ठीक ही नहीं हुआ। तो वैद्य ने देखा तो आंख देख के मैं ये दवा कर देता हूँ, मुझे क्या दोगे? तो उसको लगा ही नहीं वो ठीक कर देगा, अगर ठीक किया तो मेरे सारे परिवार के साथ आपके दास दासी बनेंगे। ठीक है, एक अच्छा दवा बना के दिया, दवा लगाते ही अगले दिन ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? बोलने को तो बोल दिया दास दासी बनेंगे, अभी दास दासी थोड़ी ना बनने जाऊंगा, हाँ अभी क्या करूं, चलो अभी इसको धोखा देंगे, ये तो ठीक हुआ ही नहीं करके बोलेंगे। जब आए तो अरे आया क्या ठीक ही नहीं हुआ और दर्द हो रहा है। तो वैद्य सोचता है ऐसा दवा तो मैंने दिया ही नहीं, क्या हुआ, आंखें ऐसे देखा तो आंखें साफ है, ठीक हो चुका है। तो उसको लगा ये दास दासी बनने ना पड़े, इसलिए ऐसे मुझे धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे, ठीक है इसे मैं अभी देखता हूँ करके ऐसे एक दवा बना के दिया कि ये लगाओ। अभी ठीक नहीं हुआ बोला तो अभी लगाओ बोले तो लगाना ही पड़ा। तो जैसे ही वो दवा लगाया, जैसे वो अंधेरे में वो जो लाइट बुझाते हैं ना अंधेरा हो जाता है, वैसे ही आंखों से अंधा हो गया। हाँ मतलब उसने मुझे धोखा दिया करके उसका बदला लिया, पर मैं उसको अंधा बनाऊंगा ही करके दवा बना के दिया ना, इसलिए उसका अकुशल कर्म बन गया, पाप बन गया। कितने कितने पाप भुगतने के बाद अंतिम जन्म अंतिम समय में चक्खुपाल भिक्षु होने के बाद भी आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, गलत मन से कुछ काम मत करो, कुछ मत बोलो,
वैसे तथागत बुद्ध के समय में ये मत्त कुंडली अदिन्न पूर्वक ब्राह्मण के इकलौते बेटे, करोड़ों धन संपत्ति के मालक इकलौते बेटे, हाँ, मगर जब जवानी में आए तो उसको बीमार हो गया, जंडिस हो गया। अभी इतना कॉन्शियस उसके पिताजी कि अगर इधर उधर जाएंगे तो उसको दवा ये वो खर्च करने के लिए पैसा जाएगा, पैसा क्यों खर्चा करूँ, हाँ ये कुछ नहीं हुआ, पानी गर्म करके पिलाओ, ये करो वो करो, पर वो तो और बढ़ता गया। तो फिर उसके माँ बहुत चिल्लाया कि क्या बिना दवा के मारोगे क्या, तो ठीक है मैं देखता हूँ करके वो गया वैद्य के पास कि ऐसे ऐसे अमुक अमुक दवा बीमार हुआ तो उसको क्या दवा देना। अभी पूछने को तो पैसा नहीं लगता, अगर वैद्य को लेके गया तो पैसा लगता है। तो वैद्य को भी समझ में आया इतने करोड़पति देखो फीस देना न पड़े करके सिर्फ पूछने आया। उसने भी जो मुँह में आया वो एक अमुक पेड़ का पत्ता उबाल के पिलाओ, ऐसा ही बोल दिया। उसने भी वैसा ही किया, कहाँ ठीक हो ना, अभी तो अंतिम समय आ गया, मरने मरने जैसा हो गया। तो ऐसे समय में भी घर के अंदर रखा तो लोग देखने के लिए आएंगे, सारा संपत्ति दिख जाएगा, चलो उसको सबसे नीचे डाल देते करके, मतलब लोग आए तो उसको देख के ही चला जाए, कुछ न दिखे ऐसे नीचे। इधर मत्त कुंडली करोड़ों धन संपत्ति के मालक पिताजी के एकलौते पुत्र, मगर बिना दवा के मरने वाले हैं, कितना दुख कितना दर्द, और अपने पिताजी के प्रति कितना द्वेष, ऐसे द्वेष रख के वहाँ बैठा था। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर दिन दो बार महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते हैं, सुबह के समय में शाम के समय में। तो ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान में देख के आज किसके पास जाऊं तो उसका कल्याण होगा, किसने पुण्य करके आया है, हाँ ऐसा सुबह के समय में लंबे दूर से नज़दीक और शाम के समय में नज़दीक से दूर ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान से देखते। तो उस समय देखा तो मत्त कुंडली देखा तो तथागत बुद्ध भिक्षाटन श्रावस्त में जाके उनके घर के तरफ गए। तो जैसे ही मत्त कुंडली ने तथागत बुद्ध को देखा इतना प्रसन्न हो गया कि अरे अंतिम समय में तथागत बुद्ध का दर्शन हो गया करके बुद्ध के प्रति प्रसन्न हो के श्रद्धा चित्त रख के बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके ऐसे ही प्राण त्याग दिया। हाँ उस समय न पिता के प्रति द्वेष रहा, न मुझे बिना दवा के मार रहे करके उसके मन में गुस्सा रहा, कुछ भी नहीं। बुद्ध देखा बुद्ध के प्रति असीम मतलब श्रद्धा रख के वे प्रसन्न चित्त से मर गया। तो कहते हैं जैसे सो के उठते हैं वैसे ही भव्य दिव्य देवलोक में उत्पन्न हुआ। जिंदगी भर और कुछ पुण्य नहीं किया उसने, मगर अंतिम समय में तथागत बुद्ध के प्रति इतना श्रद्धा रखा, प्रसन्न मन से श्रद्धा रखा, तो इतने अच्छे जगह पे गए। तो मतलब अच्छे मन से हम अच्छे करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आता ही है, आना ही है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अरे ये खाने से हमारा पेट भर जाए खाते एक एक निवाले में ये काम ना करने की जरूरत है क्या, जब खाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पेट भरना ही है। वैसे ही पुण्य करेंगे तो इस पुण्य के अनुभव से मुझे ऐसे देवलोक प्राप्त हो, ऐसे अप्सरा प्राप्त हो, ऐसे सोने का महल प्राप्त हो, ये वो कामना करने की जरूरत नहीं है। पुण्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलता ही है, सुगति मिलता ही है, दुखमुक्त मार्ग फल मिलता ही है, वो कामना करके बैठने की जरूरत नहीं है। जितना हम कामना करेंगे उतना लोभ लालच बढ़ेगा, इसलिए ये कामना करके बैठने की जरूरत नहीं। बस हमारा काम क्या है, कर्म करते जाओ, अच्छा पुण्य करते जाओ, हाँ पुण्य रूपी घड़ा भरते जाओ, उसका अच्छा परिणाम हमें आता ही है, आना ही है। और पुण्य करेंगे तो ही जीवन में सुख और शांति मिलेगा, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ
सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरिशो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से अच्छा करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदंग कई रात था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। इसलिए ये सुख प्राप्ति करना है या जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसा आ गया तो सुख मिलेगा, पैसा हुआ तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे इससे सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख मिलता है, हाँ इससे वास्तव में सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो पुण्य से ही मिलता है, कुशल कर्म से ही मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा हमें ये पुण्य करने का माहौल बनाते जाना है, दान देने का माहौल, शील पालन करने का माहौल, ध्यान भावना करने का माहौल, धम्म देशना सुनने का माहौल, धम्म चर्चा करने का माहौल, अपने से बड़ों का सेवा सत्कार करने का माहौल, जो भी अच्छे अच्छे है उसका माहौल बनाना चाहिए। एक माहौल बनाएंगे ना, न चाहते हुए भी हम भी पुण्य करते रहेंगे, हमारी वजह से अपने लोग भी पुण्य करेंगे। नहीं तो क्या ऐसे बनते, हर कोई बनते बुला के ऐसे कार्यक्रम करता क्या? नहीं ना, आप लोगों ने किया, सबके लिए हो गया, हाँ। इसलिए ऐसे पुण्य करने का माहौल बार बार बारंबार बनाते जाना है। इसलिए चाहे कोई भी ओकेजन पकड़ो, कोई भी अवसर पकड़ो, कम से कम महीने में कम से कम एक बार पूजने भिक्खु संघ अपने घर में आए, परित्राण आशीर्वाद दे, धम्म देशना दे, ऐसा माहौल बनाते रहना चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम भी हमने बात किया ना, जैसे मोबाइल चलाते चलाते उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है तो हम उसे थोड़ी ना फेंक देते, फिर से चार्ज करते हैं, हाँ। वैसे ही हम कितना भी नहीं, अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना है, पुण्य ही करना है, पाप नहीं करना है, कितना भी बोलो, धीरे 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 पुण्य से दूर दूर होता है और पाप में ही बहुत मजा आता है, उसमें ही मन रमन करता है। इसलिए बार 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 वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें ये पुण्य माहौल में ही मिलता है। इसलिए वो रिचार्ज करने के लिए, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बार 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 ऐसे कार्यक्रम करते जाना है, ऐसे धम्म देशना सुनते जाना है, ऐसे धम्म चर्चा करते जाना है। जितना धम्म करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, हाँ। जैसे दिन में 24 घंटा रहता है, 24 घंटे में हम कितना पुण्य करेंगे, कितना पाप करेंगे, हाँ। ज़्यादा पुण्य किया तो ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा पाप किया तो ज़्यादा दुख मिलेगा। अभी हमें ज़्यादा सुख चाहिए या दुख चाहिए, हमारा का पाइजे, सुख पाइजे या दुख पाइजे? सुख पाइजे तर कुशल पुण्य करो लागेल, दुख पाए जे तर पाप करा कुशल कराते तो आराम से हो जाता है पाप, तो पुण्य करना ही मुश्किल है। इसलिए जिस तरह बच्चे लोग ये बी सी डी क ख ग ग कितना भी ना है, बार 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 अभ्यास कर करके कर करके इतना सीख जाते हैं कि वो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनता है। वैसे ही पुण्य करना चाहिए, सबको पता है, पर पुण्य करना आसान नहीं है। इसलिए इसको भी मन को अभ्यास कराना है, मन को उसमें लगाना ही है, दान करना ही है, सील पालन करना ही है, ध्यान भावना करना ही है, ये मन को तालीम करना है, मन को वो आदत बनाना है, फिर तो हम करते करते जा पाएंगे। इसलिए आज के समय में ज़्यादा धम्म देशना ना देते हुए कि जीवन में जब भी मौका मिले ऐसे पुण्य का माहौल बनाते जाइए, जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा है, उतना ही हमारे पीछे पीछे आएगा, और कभी न छोड़ने वाले साय की तरह सुख भी पीछे पीछे आएगा। इसलिए हमें ऐसा पुण्य करते रहिए, पुण्य का माहौल बनाते रहिए। फिर एक बार पूजने भिक्खु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में किसी तरह का पुण्य धम्म करते करते
ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबितियो विवाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्तोन्धरायो सुकेते गायुको भव भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता सबबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता सबधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता सबसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितां बाचितां दुयाङ्किपमेव समेजतु सापे पुरेन्दु चेतसङ्कप चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाणसम्पत्ति इमे नाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि तमं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।